वेलकम टू स्टडी वॉच द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की कहानी। स्टोरी का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ठीक है। ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की कहानी। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनीकॉम का ये चैप्टर नंबर 10 की स्टोरी है। इसे हम चैप्टर नंबर 10 कह सकते हैं या फिर यूनिट 10 कह सकते हैं। ये यूनिट 10 की स्टोरी है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है कहानियों की दुनिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिएगा। उस पर भी मैंने ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं की है कि क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उसे आप सुनिएगा, देखिएगा, बताइएगा कि कैसी है। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं लेकर के आऊँगा आगे चल के, ठीक है। नरेशन कैसा है, ठीक है, कंटेंट कैसा है, वो मुझे बताइएगा ज़रूर। एक बार ज़रूर जाइएगा चैनल पर और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उसे सपोर्ट करिए। जैसे आपने मेरे इस चैनल का सपोर्ट किया है, वैसे उसको भी आप करिए, ठीक। चलिए तो स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, देखते हैं। यह है यूनिट नंबर 10। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, स्पोर्ट खेल एक अभिन्न हिस्सा है ऑफ अ हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन का। स्वस्थ जीवन का खेल एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है? अभिन्न हिस्सा, ठीक है। हेल्दी लाइफ का मतलब स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन का खेल एक अभिन्न हिस्सा है। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आर सेल्फ। ये एक तरीका है, ठीक है, इन विच, जिससे वी अम्यूज आर सेल्फ, जिससे हम स्वयं को मनोरंजित करते हैं। अम्यूज का मतलब क्या है? मनोरंजित करना, ठीक है। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक, और अम्यूज का मतलब क्या होगा? मनोरंजित करना, ठीक, मनोरंजित करना, ठीक, जिसे होता है मन बहलाना, ठीक, उसे हम कह सकते हैं। तो हम स्वयं को मनोरंजित करते हैं। कम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कम्पीट का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। एंड और स्टे फिट, और स्वस्थ रहते हैं, ठीक। स्टे फिट का मतलब क्या है? स्टे हेल्दी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिट का मतलब यहाँ पर क्या है? हेल्दी हम कह सकते हैं, ठीक है। एमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। अब क्या है कि एमंग वेरियस स्पोर्ट्स, अलग अलग खेलों की तरह, ठीक है, एमंग द वेरियस स्पोर्ट्स क्या है? अलग अलग खेलों की तरह, सच एज, जैसे कि, सच एज हॉकी, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, और टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। दूसरे खेलों की तरह, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है और टेनिस है, क्रिकेट अपीयर्स टू बी, क्रिकेट भी बनता जा रहा है, होता जा रहा है। अपीयर्स टू बी का मतलब क्या है? होता जा रहा है या फिर बनता जा रहा है। द मोस्ट अपीलिंग, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला। अपीलिंग का मतलब क्या है? जिसका प्रभाव लोगों तक हो, ठीक। नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे, राष्ट्रीय मनोरंजन बनता जा रहा है आज, ठीक है। टुडे का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं आज। तो आज क्रिकेट दूसरे खेलों की तरह, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, उसकी तरह अब ये भी एक राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। मोस्ट अपीलिंग का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर आकर्षक करने वाला, या इनवाइटिंग, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाले खेलों में से ये भी आज एक राष्ट्रीय मनोरंजन बनता जा रहा है। क्या? यह है क्रिकेट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल क्रिकेट। हाउ मच डू वी रियली नो, वास्तव में हम कितना जानते हैं। रियली का मतलब क्या है? वास्तव में, ठीक, वास्तव में, वास्तव में। हाउ मच डू वी रियली नो, वास्तव में हम कितना जानते हैं अबाउट द गेम, उस खेल के बारे में, कॉल्ड क्रिकेट, जिसे क्रिकेट कहते हैं। तो वास्तव में हम उस खेल के बारे में कितना जानते हैं जिसे क्रिकेट कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या है। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये पार्ट वन है, ठीक, उसको देखते हैं। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो, ठीक है। क्रिकेट ग्रीव, क्रिकेट का विकास हुआ, ठीक है। ग्रीव का मतलब क्या होगा? हम कहेंगे डेवलप, या फिर उसका विकास हुआ, या फिर क्रिकेट बढ़ा। आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, बहुत से स्टिक और बॉल गेम से, स्टिक का मतलब डंडे और गेंद से खेले जाने वाले खेल से, क्रिकेट बढ़ा। प्लेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में खेले जाते थे 500
हंड्रेड ईयर्स अगो, 500 साल पहले, जो 500 साल पहले इंग्लैंड में डंडे और बॉल से खेले जाने वाले खेल होते थे उसी में से क्रिकेट का विकास हुआ। ठीक है, आउट ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? आउट ऑफ का मतलब है से, ठीक है, आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, बहुत से डंडे और बॉल से खेले जाने वाले खेलों से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, द वर्ड बैट, जो शब्द बैट है, इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ये एक पुरानी इंग्लिश का शब्द है, दैट सिंपली मीन्स, जिसका सिर्फ इतना मतलब है, क्या मतलब है? स्टिक और क्लब, जिसका मतलब है स्टिक, छड़ी, या फिर क्लब, जिसे कहते हैं डंडा, यहाँ पर क्लब का मतलब होगा डंडा, दैट सिंपली मीन्स, सिंपली सिंपली का मतलब क्या है यहाँ पर? ओनली, ठीक, जिसका सिर्फ इतना मतलब, मीन्स का मतलब है, तो जिसका सिर्फ इतना मतलब है क्या है? स्टिक या फिर क्लब। ठीक है, क्लब उसे कहते हैं जो सामने से पतला और आगे थोड़ा मोटा हो, उसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, और स्टिक का मतलब जैसा हम जानते हैं छड़ी या फिर डंडा, हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। जो बैट है उसका सिर्फ मतलब क्या होता है? ये पुरानी अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है सिर्फ क्लब या, ठीक है, स्टिक। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ, क्रिकेट का काफ़ी विकास हो गया था। इवॉल्व का मतलब क्या है यहाँ पर? हम कह सकते हैं ग्रीव, ठीक है, इवॉल्व का मतलब विकसित हुआ। तो क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ, क्रिकेट काफ़ी विकसित हो गया था, इनफ का मतलब क्या है? काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इसका विकास हो गया था, टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम, जिसे एक अलग खेल की पहचान मिल सके। ठीक है, बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट का इतना विकास हो गया था कि इसे एक अलग खेल की पहचान मिल सके। ठीक है, टू बी रिकॉग्नाइजेबल, जो पहचाना जा सके, इसको पहचान मिल सके, एज अ डिस्टिंक्ट गेम, एक अलग तरह का खेल, या फिर पूरा कंप्लीट, या फिर एकदम स्पष्ट रूप से इसे खेल का दर्जा मिल सके, 17वीं शताब्दी तक इसका इतना विकास हो गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बीच तक, उसके मध्य तक, बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, बैट्स वर रफली द सेम शेप, जो बैट की बनावट थी वो क्या थी? लगभग अंदाजन, रफली का मतलब क्या है यहाँ पर? अंदाजन, या फिर कह सकते हैं हम कि लगभग, वो कैसी थी? सेम शेप एज हॉकी, जैसे कि हॉकी होती थी, ठीक है, जैसे हॉकी स्टिक होती थी वैसे ही ये लगभग होता था, उसका जो शेप था, उसकी जो बनावट थी उस बैट की, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, जो आगे की तरफ थोड़ा कर्व हो, कर्विंग का मतलब क्या है? थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा सा मुड़ा हो, ठीक है, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, एट द बॉटम मतलब नीचे, एट द एंड जिसे हम कह सकते हैं, तो एक छोर से वो कर्व करके ऐसे मुड़ा हुआ था, जैसे हम यहाँ पर ये शेप जो बना हुआ है ये है कर्व एट द बॉटम, ठीक है, आउटवर्ड्स कर्व एट द बॉटम है ये, तो ये बिल्कुल हॉकी जैसा होता था तब का बैट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसका बिल्कुल एक साधारण सा कारण था, क्या कारण था वो? द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, और क्यों, क्या था कारण? कि जो बॉल फेंकी जाती थी अंडर आर्म फेंकी जाती थी, एक होता है ओवर आर्म, एक होता है अंडर आर्म, ठीक है, जो हाथ ऐसे करके फेंकते हैं तो ये अंडर आर्म है, ठीक, ये अंडर आर्म, अगर यहाँ से बॉल फेंकते हैं, अगर हम इसे नी मान ले तो, और एक होता है ओवर आर्म, ठीक, ये जो ऐसे फेंकते हैं बॉल को, ठीक है, तो ये हो गया ओवर आर्म, तो पहले बॉल अंडर आर्म फेंकी जाती थी, इसी वजह से जो बैट था वो कर्व होता था बिल्कुल नीचे की तरफ, अलोंग द ग्राउंड, वो थोड़ा ग्राउंड से बॉल आती थी, एंड और द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट, और जो कर्व था बैट के एंड में, बैट के बिल्कुल लास्ट में, जो एक ऐसे कर्व था ये बैट के एंड में, गेव बैट्समैन, बैट्समैन को देता था द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, बॉल से कॉन्टैक्ट करने का वो उसे बेस्ट चांस देता था, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट होता ऐसे, ठीक है, तो बॉल ज़्यादा कनेक्ट ना हो पाती बैट से, इसलिए, ठीक, और अगर ये कर्व्ड है थोड़ा सा, ठीक, अगर ये कर्व्ड है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक, तो इसलिए ये जो पुराना बैट था वो कर्व्ड होता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज़ दैट अ टेस्ट मैच कैन गो फॉर 5 days, वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज, पिक्यूलरिटीज़ का मतलब क्या है? ऑडिटीज, या फिर कह सकते हैं हम विचित्रता, जिसे हम विचित्रता कह सकते हैं, ठीक है, कि क्रिकेट की विचित्रताओं में से एक, कई विचित्रताएं हैं क्रिकेट में, तो उसकी विचित्रताओं में से एक क्या है क्रिकेट की, इज़ दैट, वो है कि अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days,
कि एक टेस्ट मैच वो 5 दिनों तक चल सकता है। कैन गो ऑन, गो ऑन का मतलब क्या है, कंटिन्यू, कि वे 5 दिनों तक चल सकता है। एंड और स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब क्या है, फिर भी। एंड ख़त्म होता है इन ए ड्रॉ, एंड इन ए ड्रॉ, फिर वो ख़त्म होता है, फिर भी वो ड्रॉ होकर के ख़त्म होता है। तो ड्रॉ का मतलब क्या है, देखिए ड्रॉ का मतलब है रिजल्ट ऑफ अ गेम, किसी खेल का परिणाम, इन विच, जिसमें, नीदर साइड विंस और लूजेज, जिसमें कोई भी साइड ना ही जीतता है और ना ही हारता है, उसे ड्रॉ कहते हैं। तो जो पिक्युलरिटीज़ है क्रिकेट की वो ये है कि ये 5 दिनों तक खेला जा सकता है और इसमें बिना कोई रिजल्ट निकले भी इसे 5 दिनों तक खेला जा सकता है। ठीक, अब जिसकी हम बात कर रहे थे जो बैट की बनावट थी वो ये है। देखिए द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, जो सबसे पुराना बैट है जो अब एग्जिस्टेंस में है, जो अभी अस्तित्व में है, नोट द कर्व एंड, इस कर्व एंड को आप नोट करिए, ध्यान दीजिए, सिमिलर टू ए हॉकी स्टिक, जो बिल्कुल हॉकी जैसा सेम है। ठीक, जैसा हम जानते हैं बॉल अंडर आर्म फेंकी जाती थी, उसके कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर इसको कर्व रखा जाता था, तो पहले क्रिकेट का बैट ऐसे हुआ करता था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। No other modern team sport takes even half as much time to complete. अब कहता है No other modern team sports, कोई भी आधुनिक टीम वाला खेल, ठीक है, No other, कोई दूसरा modern team sport, जो आधुनिक टीम के साथ खेले जाने वाला खेल है, takes even half as much time to complete. कोई भी खेल इस खेल का आधा समय भी नहीं लेता है ख़त्म होने में, ठीक है, complete होने में। A football match is generally over in an hour and a half. और यहाँ तक कि एक जो फुटबॉल मैच है जनरली जो सामान्य तौर पर ख़त्म हो जाता है 1.5 घंटे में, ठीक है, एन आर एंड हाफ का मतलब क्या है 1.5 घंटा, ठीक है, वो 1.5 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स, यहाँ तक कि बेसबॉल भी अपनी 9 इनिंग्स कंप्लीट कर लेता है इन लेस दैन हाफ टाइम, इसके आधे समय में, दैट इज टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच, जो लिमिटेड ओवर मैच ये खेला जाता है उससे भी आधे समय में 9 इनिंग्स बेसबॉल की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे टेस्ट मैच है वो तो 5 दिनों तक चलता है, वो लिमिटेड ओवर्स उसमें नहीं है, वहाँ पर दिन निर्धारित होते हैं, लेकिन जो लिमिटेड ओवर्स मैच होते हैं, जो जैसे मान लीजिए 50-50 है, 50 ओवर वाला जो मैच है, 50 ओवर का मैच जो होता है वो लगभग 8 घंटे में ख़त्म होता है। ठीक है, 4 घंटे में एक इनिंग होती है, इसका आधे समय यानी उसकी एक इनिंग ख़त्म होगी क्रिकेट की, तो बेसबॉल की 9 इनिंग्स ख़त्म हो जाएगी, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक, देखते हैं ये क्या है, लिमिटेड ओवर मैच क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है अ शॉर्टेन वर्जन ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट, ये थोड़ा सा शॉर्टेन वर्जन है, थोड़ा सा छोटा किया गया रूप है आधुनिक क्रिकेट का, ये छोटा रूप है। पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, बाद में फिर 50-50 आया, अब तो 20-20 और 10-10 भी आ चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट, अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दूसरा विचित्र गुण है, यहाँ पर क्यूरियस का मतलब क्या है, यहाँ पर ईगर नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, क्यूरियस का मतलब विचित्र ही होगा। ठीक है, जिसको ऑडिटीज़ बोलते हैं या फिर पिक्युलैरिटी बोलते हैं, वो विचित्रता ही है, जो अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण, ठीक, जिसे हम जानते हैं उसका गुण या फिर उसकी खासियत हम कह सकते हैं, जो उसकी एक और विचित्र खासियत है इस क्रिकेट की, वो क्या है कि द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards, जो लेंथ है पिच की, ठीक है, उसे स्पेसिफाइड कर दिया गया है, उसे लिमिटेड कर दिया गया है, उसे निर्धारित कर दिया गया है, कितना, 22 yards तक 22 yards तक उसे निर्धारित कर दिया गया है पिच को। ठीक, मान लीजिए ये पिच है, ठीक है, तो इसकी ये स्टम्प्स है, ठीक है, तो ये इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 22 yards, ठीक, इसे निर्धारित कर दिया गया है। बट लेकिन द साइज और द शेप ऑफ ग्राउंड इज नॉट, लेकिन जो साइज है और जो शेप है, जो साइज का मतलब क्या होता है आकार, और शेप का मतलब क्या है आकृति, उसका आकार और या आकृति उसकी निर्धारित नहीं की गई। ये तो बता दिया गया कि बॉल फेंका जाएगा 22 से 8 तक, लेकिन इसका जो ग्राउंड है उसका निर्धारण नहीं हुआ है कि वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितनी लंबाई दूरी होगी, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक, ये भी उसकी एक विचित्रता है, जैसा मैंने आपको बताया क्यूरियस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, विचित्रता होगा, यहाँ पर ईगर या फिर कीन, ठीक, नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल, मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, ज़्यादातर, मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, ज़्यादातर जो टीम स्पोर्ट्स हैं,
ठीक है, जो जो टीम के साथ खेले जाते हैं सच एज हॉकी, जैसे कि हॉकी एंड फुटबॉल या फिर फुटबॉल, ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। उन्होंने प्लेइंग एरिया खेलने का जो आयाम है, डायमेंशंस का मतलब क्या है, डायमेंशंस मतलब आयाम, आयाम का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी को हम आयाम कहते हैं, तो उसकी उन्होंने निर्धारित कर रखी है। ले डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे उसे उन्होंने निर्धारित कर रखा है वो प्लेइंग एरिया, कि ये इतने दूर में हॉकी खेली जाएगी तो यहाँ पर डी पॉइंट बनेगा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निर्धारित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है, सिवाय 22 यार्ड पिच को छोड़ करके, क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ठीक, ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक एडलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। अब क्या है कि ग्राउंड्स कैन बी ओवल, जो ग्राउंड है वो एडलेड की तरह ओवल हो सकते हैं, एडलेड ओवल जो ऑस्ट्रेलिया में है जैसा हम जानते हैं, ठीक है, वो ओवल हो सकते हैं। ओवल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शेप लाइक एन एग, ठीक है, जैसे अंडे की शेप का, ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक, कि ये जो ग्राउंड है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो अंडे की शेप का भी हो सकता है, या फिर नियरली सर्कुलर, या फिर बिल्कुल सर्कुलर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एक सर्कल जैसा वो हो सकता है, बिल्कुल सर्कल जैसा, ठीक है, लाइक चिपॉक इन चेन्नई, जैसा कि चिपॉक की चेन्नई का स्टेडियम है, ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल सर्कुलर हो सकता है और वो बिल्कुल ओवल शेप में भी हो सकता है। उसका कोई निर्धारण नहीं है कि वो कैसा होगा, उसका साइज़ या शेप कैसा होगा ग्राउंड का, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ सिक्स एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। अब कहता है कि सिक्स एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो छक्का है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एमसीसी पर, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, उसे और ज़्यादा ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा, यानी छक्का जो है वो बड़ा होगा, बाउंड्री बड़ी होगी, देन की तुलना में इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली का जो स्टेडियम है उसके मुकाबले जो मेलबर्न का छक्का होगा उसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा, यानी उसे और दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका स्टेडियम एमसीसी का जो कि बड़ा है, और इसे हम अगर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये है आपका फिरोज शाह कोटला, तो यहाँ पर अगर आप छक्का लगाते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ग्राउंड कवर करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपको थोड़ा कम ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा, यानी आपको और ज़ोर से यहाँ कम जोर से और यहाँ पर और ज़ोर से आपको मारना पड़ेगा, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़, इन दोनों ऑडिटीज़, इन दोनों पिक्युलरिटीज़, इन दोनों विचित्रताओं के पीछे ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, हिस्टोरिकल रीज़न का मतलब क्या है, ऐतिहासिक कारण, बिहाइंड का मतलब पीछे, बोथ दीज ऑडिटीज़, इन दोनों ऑडिटीज़ के पीछे। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, क्या था उसका रीज़न, कि क्रिकेट अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स है, वो सबसे पहले के आधुनिक खेलों में से है जिसे कोडिफाइड किया गया। कोडिफाइड का मतलब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्डाइज विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें नियम कानून बनाए गए, ये सबसे पहले के आधुनिक खेलों में से है। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वॉज ड्रॉन अप इन 1744, जो पहला लिखा हुआ क्रिकेट का नियम था, लॉज ऑफ क्रिकेट का मतलब क्रिकेट का नियम था, वॉज ड्रॉन अप इन 1744, 1744 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक, दे स्टेटेड, उन्होंने साफ साफ कहा, स्टेटेड का मतलब क्या है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, साफ साफ कहना, दे स्टेटेड, उन्होंने साफ साफ कहा, द प्रिंसिपल्स शैल चूज, जो प्रिंसिपल जो मुखिया होगा वो चूज करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द अमंग जेंटलमैन प्रेजेंट, जो वहाँ पर भद्रजन, जो वहाँ सज्जन लोग प्रेजेंट होंगे, उनमें से टू एम्पायर्स, दो एम्पायर उन्हें चुनना होगा। ठीक है, हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जिन्हें सारे, एब्सोल्युटली का मतलब क्या है, कम्प्लीटली या फिर पूरे डिसाइड करना होगा, टू डिसाइड ऑल डिस्प्यूट, हर तरह का विवाद उन्हें सुलझाना होगा, हर तरह की विवाद का निपटारा उन्हें करना होगा। डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या है, वो हर विवाद का निपटारा करेंगे, एब्सोल्युटली का मतलब है कम्प्लीटली, दो एम्पायर ही उसको सुलझाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई, जो स्टम्प्स हैं वो 22 इंच ऊंचाई होगी इसकी, ठीक है, जो स्टम्प्स होते हैं उसकी 22 इंच होगी, 22 इंचेस, ठीक, 22 इंचेस इसकी हाइट होगी, एंड द बेल अक्रॉस देम, और जो इसके ऊपर जो बेल होगी, ठीक है, ये जो बेल होगी, पहले दो स्टम्प्स होता था, तो यहाँ पर जो बेल होगी वो होगी 6 इंचेस, वो 6 इंच की बेल होगी। ठीक है,
द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और जो बॉल होगी, जो बॉल का वजन होगा वो 5 से 6 ounces के बीच में होगा, ठीक है। एंड और द टू सेट्स ऑफ स्टम्स 22 yards, और 2 sets of stems हो गए, ठीक है, 2 sets होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ऐसे स्टम्स होता था, मिडिल स्टम नहीं होता था, ठीक है। तो ये 2 sets of stems हो गए, ये 2 के स्टम हैं सेट्स, ठीक है, जो 22 yard की दूरी पर होंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ठीक। वो उसकी दूरी क्या होगी, 22 yard होगी, 22 yards होगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 22 yard अपार्ट वो दूर होंगे एक दूसरे से, जैसा मैंने आपको वो डायग्राम बना के बताया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैबल्डन इन 1760s। जो पहला दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब का मतलब क्या है, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड, जो बना था, फॉर्म का मतलब बना था, इन हैबल्डन, हैबल्डन में इन 1760s, वो कब बना था, 1760 में बना था। एंड द मैरिलीबोन क्रिकेट क्लब, जो MCC था, मैरिलीबोन क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787, वो 1787 में उसकी नींव रखी गई थी। फाउंडेड का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं, नींव रखना या फिर उसकी स्थापना करना, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 17 साल बाद 1760 में पहले हैमिल्टन आया, ठीक, उसके बाद पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया था हैमिल्टन में, और उसके बाद 1787 में दूसरा मैरिलीबोन क्रिकेट क्लब बना, ठीक है, 17 साल बाद 1787 में, ठीक है। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s, 1760 और 1770 के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या है, दौरान, इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रैदर देन रोल इट राउंड द ग्राउंड। अब क्या होगा कि 1760 से 1770 के दौरान क्या हुआ, इट बिकेम कॉमन, ये बात सामान्य हो गई, टू पिच द बॉल, कि बॉल को गिराया जाए, बॉल को फेंका जाए। पिच का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं थ्रो, ठीक है, थ्रो, ठीक, बॉल को फेंका जाए थ्रू द एयर, हवा में, ठीक है, उसे हवा में फेंका जाए, रैदर देन के स्थान पर रोल इट अलोंग द ग्राउंड, जो इसे ज़मीन पर लुढ़काया जाता है, रोल का मतलब क्या है, लुढ़काना, इट अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन से सटते हुए इसे जो लुढ़काया जाता है, इसके स्थान पर इसे अब हवा में फेंका जाए, ठीक। तब ये बात 1760 से 1770 के दौरान ये बात सामान्य हो गई थी। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, ये जो बदलाव था, दिस चेंज, चेंज का मतलब बदलाव, ये बदलाव, गेव बॉलर्स द ऑप्शंस, उसने गेंदबाजों को, बॉलर्स का मतलब गेंदबाजों को, ऑप्शंस दिए, विकल्प दिए, किस चीज़ के विकल्प दिए, लेंथ्स की, ठीक है, डिसेप्शन थ्रू एयर, हवा में डिसेप्ट करने की, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, चकमा देना, हवा में चकमा देने का ऑप्शंस दिया, विकल्प दिया, प्लस इंक्रीज्ड पेस, और उसमें उसकी गति भी तेज हुई, ये विकल्प गेंदबाजों के सामने आया जब बॉल ओवर आर्म फेंकी जाने लगी, अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं तो। इट ऑल्सो ओपेंड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, इट ऑल्सो ओपेंड, इसने खोला, न्यू पॉसिबिलिटी, नई संभावनाएं भी खोली, फॉर स्पिन, स्पिन की, एंड स्विंग, और स्विंग की, इसने स्पिन और स्विंग की भी नई संभावनाएं इसने खोल दी, जब बॉल ओवर आर्म फेंकी जाने लगी, हवा में फेंकी जाने लगी, तो इस तरह से बॉलर्स को काफ़ी ऑप्शंस आ गए, उसे लेंथ, डिसेप्शन थ्रू एयर, और उनकी गति बढ़ी, और उन्हें स्पिन और स्विंग की भी संभावना इससे बढ़ी, ठीक है। इसके रिस्पांस में क्या हुआ, इन रिस्पांस, इसके एवज में, इसके परिणाम में क्या हुआ, बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और जो बैट्समैन थे उन्हें हैड टू मास्टर, उन्हें महारत हासिल करनी पड़ी, ठीक है, हैड टू मास्टर का मतलब क्या है, महारत हासिल करनी पड़ी, टाइमिंग, टाइमिंग में, एंड शॉट सिलेक्शन, और जो शॉट खेलते हैं उसके सिलेक्शन में उन्हें मास्टरी हासिल करनी पड़ी, ठीक। वन इमीजिएट रिजल्ट वॉज, जो इसका तुरंत जो परिणाम हुआ, इमीजिएट का मतलब क्या है, तुरंत, ठीक, जो तुरंत होने वाला परिणाम था वो क्या था, वॉज, वो था कि द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विथ स्ट्रेट वन, ठीक है, जो इसका फिर क्या हो गया, स्थानापन्न करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा, जो कर्व बैट था, ठीक है, जो लास्ट में ऐसे कर्व करके आता था, ठीक है, ये कर्व था ये बैट, अब इसे बिल्कुल स्ट्रेट बैट में कन्वर्ट करना पड़ा, उन्हें बदलना पड़ा, ठीक, अब बैट ऐसा हो गया, ठीक, पहले बैट ऐसा था, तुरंत होने वाला परिणाम ये हुआ कि बैट के शेप में बदलाव आया, ठीक। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.75 ounces, अब जो बॉल का वजन था, ठीक है, वेट ऑफ द बॉल, बॉल का वजन था, वॉज लिमिटेड, वो बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ठीक है, ठीक, सीमित कर दिया गया, बिटवीन 5.5, 5.5
ऑंस से लगभग 6.25 ऑंस तक उसे निर्धारित कर दिया गया एंड और द विड्थ ऑफ द बैट 2-4 इंचेस और जो बैट की चौड़ाई होगी ठीक है जो ब्लेड की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी वो होगी 4 इंच ठीक वो होगी 4 इंचेस तो यानी इसकी ये चीज़ जो है वो 4 इंच होगी ठीक ये 4 इंचेस होगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं इन 1774 में द फर्स्ट लेग बिफोर लव वाज पब्लिश्ड 1774 में पहली बार लेग बिफोर विकेट जिसे हम LBW कहते हैं लेग बिफोर लॉ पब्लिश हुआ वो प्रकाशित हुआ ऑल्सो अराउंड दिस टाइम इसी समय में भी अराउंड दिस टाइम का मतलब इसी समय के दौरान इसी समय भी द थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन जो तीसरा स्टंप था वो भी सामान्य हो गया वो भी इंट्रोड्यूस हो गया जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले 2 स्टंप्स होते थे ठीक है फिर बाद में इसी दौरान ये 1774 के ही आसपास ये तीसरा स्टंप भी आ गया ठीक ये तीसरा स्टंप भी आ गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं बाय 1780 तक 3 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ द मेजर मैच जो बड़े मैच थे मेजर मैच का मतलब क्या जो बड़े मैच होते थे उनका जो समय था वो 3 दिनों तक के लिए निर्धारित कर दिया गया था ठीक एंड और दिस ईयर ऑल्सो और यही वर्ष जो था सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल और यही वर्ष था जिसने पहली 6 सीम वाली बॉल के निर्माण को देखा ठीक है केस रीजन को देखा जो 6 सीम की बॉल बनी इसी वर्ष उसने भी उसका दर्शन किया उसने भी इसको देखा तो अगर मान लीजिए ये बॉल है तो 6 सीम का मतलब क्या है यहाँ पर जो सिलाई होती है सीम का मतलब होता है सिलाई तो यहाँ पर ये 6 सीम होती थी ठीक है ये ऐसे मान लीजिए 3 हुई ठीक और ये आपकी 5 और ये 6 तो इस तरह से 6 सीम बॉल में आने लगी इसी दौरान ठीक चलिए आगे देखते हैं हम देख सकते हैं कि ये है पवेलियन ऑफ मैरीबिलोन क्रिकेट क्लब इन 1874 में बने मैरीबिलोन क्रिकेट क्लब का ये पवेलियन है ठीक इसे हम देख सकते हैं इफ़ यू लुक एट गेम्स इक्विपमेंट अगर आप देखें इफ़ यू लुक का मतलब क्या अगर आप देखें एट द गेम्स इक्विपमेंट खेल के साजो सामान को इक्विपमेंट का मतलब क्या है साजो सामान जिससे खेल खेला जाता है यू कैन सी आप देख सकते हैं हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स कि कैसे दोनों खेल बदलते हुए समय के साथ बदला एंड येट और फिर भी फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड कि कैसे वो येट फिर भी फंडामेंटली जो मौलिक रूप से बेसिक रूप से ठीक है मूल रूप से रिमेन ट्रू बिल्कुल वही रहा ठीक है टू इट्स ओरिजिन जहाँ से इसका विकास हुआ था इन रूरल इंग्लैंड जो इंग्लैंड के गांव में जैसे इसका विकास हुआ था ये फिर भी बिल्कुल वैसा ही रहा ठीक है फंडामेंटली वो बिल्कुल वैसा ही रहा तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ क्रिकेट में बदलाव तो हुआ लेकिन उसका जो मूल रूप था जैसा ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था इंग्लैंड के गांव में खेले जाने के लिए फिर भी उसका मूल रूप बना रहा समय के साथ ये बदला लेकिन इसमें पूरा परिवर्तन नहीं हो पाया ठीक है क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो क्रिकेट खेले जाने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे मान लीजिए बैट वगैरह स्टंप्स वगैरह वो क्या है आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल वो बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों के बने हैं प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल हैं उससे पहले यानी वो भी प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए हैं ठीक है वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर नहीं होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह ठीक द बैट इज़ मेड विथ लेदर ट्वाइन एंड कॉक जो बैट बनता है वो बनता है लेदर से ठीक ट्वाइन और कॉर्क से ठीक यहाँ पर बॉल होना चाहिए था ठीक है द बॉल ठीक है द बॉल इज मेड कि बॉल बनती है बनाई जाती है विथ लेदर लेदर से चमड़े से ट्वाइन एंड कॉर्क से ट्वाइन और कॉर्क से बनाई जाती है यहाँ पर बैट मुझे लगता है कि सही वर्ड नहीं है ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड यहाँ तक कि आज भी जो बॉल और बैट है वो हाथ से ही बनाए जाते हैं यानी उसे कारीगर ही बनाते हैं नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर उसे इंडस्ट्री में बनाया नहीं जाता है यानी उसके लिए मशीनें नहीं हैं ठीक द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम जो मटेरियल था बैट बनाने का वो समय के साथ कुछ बदला स्लाइटली का मतलब क्या है हल्का फुल्का उसमें बदलाव आया ठीक वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड वंस पहले तो इट वॉज कट आउट इसे काट लिया जाता था ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड लकड़ी के एक टुकड़े से पहले इसे लकड़ी के एक टुकड़े से काट लिया जाता था
ठीक है नाउ, लेकिन अब इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, लेकिन अब ये दो टुकड़ों से बनता है. द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, ये जो ब्लेड है बैट का, ठीक है, इसे ब्लेड कहते हैं. ये चीज़ जो है बैट की, ये है ब्लेड, ठीक है, और ये है हैंडल, ठीक है. तो ये जो ब्लेड है बैट का वो किससे बनता था, विलो के पेड़ की लकड़ी से वो बनता था. एंड और द हैंडल, और जो हैंडल उसमें लगता था, विच इज़ मेड आउट ऑफ द केन, वो केन से बनता था, ठीक है. केन का मतलब क्या होता है, बेंत, ठीक है. जैसे मान लिया जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है, ये है आपका मान लीजिए बैट, ठीक. अब ये चीज़ जो है, ये बैट का हैंडल है जो केन से बनता था, और ये विलो से बनता था, और ये केन से बनता था, ठीक. That became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia. ये चीज़ जो बेंत है, ये केन है, वो इनको बहुत ही अवेलेबल होने लगा, ठीक है. जैसे जैसे यूरोपियन उपनिवेशक, कॉलोनिस्ट का मतलब क्या है, वो उपनिवेशक, एंड जो ट्रेडिंग कंपनीज और जो व्यापार करने वाली जो कंपनियाँ थीं, इस्टेब्लिश देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया एशिया में. जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, उन्हें ये केन वगैरह सब कुछ आसानी से मिलने लगा, ठीक. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस से अलग, अनलाइक का मतलब डिफरेंट, ठीक है, गोल्फ और टेनिस से अलग, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विथ इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल्स, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड. अब इसमें क्या है कि जैसे टेनिस हो गया और या फिर गोल्फ हो गया, उससे अलग क्रिकेट ने क्या किया कि रिफ्यूज़ टू रीमेक इट्स टूल्स, कि इसके जो टूल्स हैं वो बनाए जाएँ, किसे, विथ इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल्स, जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है, ठीक है, जो मशीनों से फैक्ट्रियों में बनते हैं, या फिर मैनमेड मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक है इससे, फाइबर ग्लास है इससे, और जो मेटल है उससे, इसे बिल्कुल फर्मली रिजेक्ट कर दिया गया, दृढ़ता के साथ इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है. जैसे गोल्फ में जो उसकी स्टिक है वो सब दूसरे चीज़ों की बनती है, ठीक है, जैसे उसकी बॉल होती है गोल्फ की, वो सब सिंथेटिक की बनी हुई होती है. तो लेकिन यहाँ पर क्रिकेट के खेलने वालों ने मना कर दिया कि इन चीज़ों से नहीं बनेगी, ठीक. वो लेदर से ही अगर बॉल बन रही है तो लेदर से ही बनेगी, ट्विंग कॉक से ही बनेगी, वो सब चलेगा, लेकिन इसमें सिंथेटिक वगैरह नहीं लगेगी, प्लास्टिक वगैरह नहीं लगेगी, ठीक, समझ में आया. चलिए आगे देखते हैं. बट लेकिन इन द मैटर ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन जो सुरक्षा करने वाले जो साजो सामान है, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, सुरक्षा करने वाले, इक्विपमेंट का मतलब साजो सामान है. क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्रिकेट प्रभावित हुआ तकनीकी बदलावों से, क्रिकेट तकनीकी बदलावों से प्रभावित हुआ. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है, तकनीकी बदलावों से. द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज रबर, जो आविष्कार हुआ, ठीक है, वेल्कनाइज रबर का, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैड्स, इसने पैड को इंट्रोड्यूस किया, ये चीज़ पैड को ले आया इन 1848 में, 1848 में वेल्कनाइज रबर की इन्वेंशन के साथ ही पैड का भी इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक. एंड और प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं, जो सुरक्षात्मक ग्लव्स हैं जो हाथ में पहनते हैं, वो सून, जल्द ही उसके बाद तुरंत वो आ गया. एंड द मॉडर्न गेम, और जो आधुनिक खेल है, वुड बी अनइमेजिनेबल, वो बिल्कुल अकल्पनीय होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकेगी, विदाउट हेलमेट्स, हेलमेट्स के बिना आधुनिक खेल की कल्पना नहीं की जा सकती. मेड आउट ऑफ मेटल, जो मेटल का बना हुआ होता था, एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल, और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से ये बना हुआ था, हल्के मटेरियल से जो लाइट वेट होते हैं उससे, और ये मेटल से ये बनता था. तो इसमें देखा गया कि क्रिकेट ने कुछ उसमें परिवर्तन आए, लेकिन वो बिल्कुल बेसिकली जो था वो सेम था. जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ उसके जो हेलमेट है उस वो परिवर्तन हुआ, उसने इंडस्ट्री का सहारा लिया, उसने जैसे मेटल का सहारा लिया, सिंथेटिक लाइटवेट का सहारा लिया, ग्लव्स बने, ठीक है, वल्कनाइज रबर के आ जाने के बाद पैड्स बने, उसमें ये चीज़ आई, लेकिन और सारी चीज़ें जैसे बैट है, बॉल है, वो उसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, ठीक है. तो इस तरह से ये आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है. इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के, इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी. अब आपको हम क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, पीडीएफ के साथ, कोशिश करेंगे वर्ड मीनिंग भी हो उसमें, ठीक है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा. आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला. थैंक यू.